पंजाब की तरह सिंध में भी कोरोना वायरस आपे से बाहर होने लगा। सूबे में मजीद 320 अफराद मोहलिक वायरस में मुब्तला हो गए। पिछले 24 घंटों में 3 डेथ्स हुई हैं। इस तरीके से सूबे सिंध में टोटल डेथ की तादाद 69 हो गई है। आज की ये 320 केस इनको ऐड करने के बाद पूरे पाकिस्तान में 10,000 से केसेस एक्सीड कर गए कोरोना वायरस। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कोरोना के हवाले से अपने वीडियो पैगाम में बताया कि सिंध में आज सबसे ज्यादा 320 नए केसेस आए हैं, जिसके बाद सूबे में कोरोना मरीजों की तादाद 3,373 हो गई है। आज तक जो टोटल शरह पॉजिटिव है वो 11.1% है। तो आज जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि लोकल स्प्रेड के सबसे ज़्यादा केसेस आए और एज ए परसेंटेज नंबर ऑफ टेस्ट से सबसे ज़्यादा पॉजिटिव केसेस आज की तारीख में आए हैं। आज के ये 320 केस इनको ऐड करने के बाद पूरे पाकिस्तान में 10,000 से केसेस एक्सीड कर गए कोरोना वायरस के। वज़ीर आला सिंध ने बताया कि हैदराबाद में कोरोना वायरस के 19 नए केसेस में इजाफा हुआ है, मजमूई तादाद 229 हो गई, जबकि हैदराबाद में मकामी मुंतकली के 71 केसेस हो गए। सक्कर में भी मकामी मुंतकली के 7 केसेस सामने आए हैं। इस तरह वहाँ कोरोना वायरस के 347 केसेस हैं। लाड़काना में मकामी मुंतकली के 23 केसेस हैं। सबसे ज्यादा अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद है, 229 टोटल केसेज हैं, लेकिन उसमें से 158 तबलीगी जमात के कारकुन हैं। इसका मतलब है कि 71 केसेस हैदराबाद में आए हैं जो लोकल स्प्रेड से हैं। पिछले 24 घंटों में ये तादाद 19 है। हैदराबाद के बाद सबसे ज़्यादा अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हमारा लाड़काना रहा है। टोटल केसेस 65, जिसमें से 42 तबलीगी जमात और जो ईरान से पिलग्रम्स आए हैं उनके हैं। उनको अगर इनमें से निकाल दिया जाए तो 23 लोकल स्प्रेड के केसेस हैं, जो कि कराची के 6 डिस्ट्रिक्ट और हैदराबाद के बाद सबसे ज़्यादा नंबर है। और सक्खर, जिसमें वैसे तो टोटल तादाद 347 की है, लेकिन इन 347 में 273 ईरान से आए हुए पिलग्रम्स और 67 तबलीगी, तो अगर इन दोनों को निकाल दें तो सिर्फ 7 लोकल स्प्रेड के केसेस सक्खर में हैं। मुराद अली शाह ने शहर कायद में वबा के फैलाव से मुतालिक बताया कि कराची से कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जिला जनूबी में 79 केस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद यहां तादाद 578 हो गई है। जिला गर्बी में आज 48 नए केसेस आने के बाद मकामी मुंतकली के 258 केसेस हो गए। जिला शर्की में 42 नए केसेस रिपोर्ट, मकामी मुंतकली के 448 केसेस हो गए हैं। मलीर में 15 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मकामी मुंतकली के केसेस की तादाद 147 हो गई। कोरंगी में आज 16 नए केसेस आने के बाद मरीजों की तादाद 179 हो गई है। सबसे ज्यादा अफेक्टेड सूबा सिंध में डिस्ट्रिक्ट साउथ है, उसमें 578 केसेस आ चुके हैं और इनका ज्यादा तादाद जो हमारे पसमानदा इलाके हैं, 24 घंटों में 79 नए केसेस पॉजिटिव आए। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में 468 केसेस हैं, जिनमें से 20 तबलीगी जमात के अराकीन के हैं, तो टोटल बाकी लोकल स्प्रेड डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में 448 है और उसमें 42 केसेस सिर्फ पिछले 24 घंटों में आए हैं। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में 259 केसेस टोटल हैं, 1 तबलीगी जमात के रुकन का है, टोटल 258। तो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट इन टर्म्स ऑफ इन्फेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स तीसरे नंबर पे, और इसमें 48 केस जो हैं वो कल की तारीख में यानी पिछले 24 घंटों में आए हैं। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी टोटल 179 केसेस, 16 पिछले 24 घंटों में, और डिस्ट्रिक्ट मलीर टोटल केसेस 155 हैं, जिसमें से 8 तबलीगी जमात के अराकीन हैं, 147 लोकल डिस्ट्रिक्ट मलीर का स्प्रेड है और इसमें पिछले 24 घंटों में 15 केसेस आए हैं। उनका कहना था कि कोरोना आज मजीद 3 अफराद की जिंदगियां निकल गया, जिसके बाद जहां बहक अफराद की तादाद 69 हो गई। पिछले 24 घंटों में 3 डेथ्स हुई हैं। इस तरीके से सूबा सिंध में टोटल डेथ्स की तादाद 69 हो गई है।
और ये 2% है हमारे टोटल केसेस का। मुराद अली शाह ने मजीद कहा कि गुंजान आबादियों में मकामी मुंतकली के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, इस सूरत हाल में हम सबको अपनी आंखें खोलनी होंगी। मैं आपसे इल्तिजा करूंगा कि अपने घरों में नमाज अदा करें, इस एहतियात में हमारी अपनी, हमारे प्यारों और शहरियों की जिंदगी समाई हुई है। हर खबर से अपडेट रहने के लिए खबरों सियासी या मुल्क के बहरान की या हो आपके मुरझाए हुए चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की बात, हम बनेंगे आपकी आवाज़। सब्सक्राइब कीजिए पाकिस्तान के सबसे बड़े वेब टीवी क्विक न्यूज़ को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।